सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूत कर दी। कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हों। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो पर मरने के बाद शोध पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। आज का पंचांग 25 नवंबर 2021 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र शाम 6:49 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:34 से 2:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 25 नवंबर 2021 दिन गुरुवार, अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दे लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। आज के दिन की शुरुआत कोई शुभ समाचार मिलने से होगी। आपकी सकारात्मक सोच आपके कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर भी बनाएगी। बच्चे अपनी पढ़ाई और परीक्षा तथा प्रतियोगिताओं के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस हासिल होगा। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जो भी काम आपको प्राप्त हो रहे हैं उनसे समाधान और आनंद मिलेगा। कलह से जुड़े रहने की वजह से निराशा दूर होने लगेगी। नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सोच विचार कर काम करें। आपको मन की अपेक्षा के अनुसार बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है। चिंता पूरी तरह से मिट सकती है। पार्टनर की वजह से आपको अपने स्वभाव में बदलाव नजर आ सकता है। शरीर की बढ़ती गर्मी भी तकलीफ दे सकती है। सावधानियां, अपनी उपलब्धियों को किसी से भी ज्यादा शेयर ना करें क्योंकि आपके मित्र अथवा संबंधित आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं। घर में मेहमानों के अचानक आगमन से सारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी कुछ कार्यों में रुकावटें भी आएंगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकता है। आपको यही तो चाहिए था। आपका दिन आज खास रहेगा। इसका पूरा उपयोग और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। मौज मस्ती में समय व्यतीत करने के साथ साथ अपने पारिवारिक जरूरतों को भी ध्यान अवश्य दें। आपके लापरवाही की वजह से जीवन साथी के साथ तनाव रह सकता है। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। बात करते हैं करियर की। व्यवसायिक नजरिए से समय अच्छा है। आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में आपसी तालमेल और समझौते से फायदा होगा। इस बात पर जरूर अमल करें। काम ज्यादा होने से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल भी रहेगा। आज के दिन शुरुआती उल्लेखनीय भी होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की भी संभावना है।
बात करते हैं सेहत की। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप शारीरिक और मानसिक तनाव से काफी हद तक बच पाएंगे। आराम करना चाहते हैं तो अपने उसी पुराने कार्यक्रम पर आ जाएं, जिसके आप पिछले कुछ समय से उपेक्षा कर रहे हैं। आप फिटनेस संबंधित किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। दुर्घटना में दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, कुछ ही दिन में खुद ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करें। आज का उपाय, साईं बाबा जी को गुलाब का फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।